वेलकम गाइस टू माय न्यू एपिसोड ऑन फ्लटर। आज के एपिसोड में हम कवर करेंगे कि पुश नोटिफिकेशन आप अपने मोबाइल ऐप में किस तरीके से ऐड कर सकते हैं फ्लटर की मदद से। ठीक है, पुश नोटिफिकेशन को एग्जीक्यूट करने के लिए आपको तीन चीज़ें पता रहनी चाहिए। जब ऐप हमारा ओपन रहता है उस समय आपको एक नोटिफिकेशन आ सकता है। दूसरा स्टेट रहता है कि ऐप जब हमारा बैकग्राउंड में है पर टर्मिनेट नहीं है, यानी कि ऐप हमारा क्लोज नहीं है पर बैकग्राउंड में हम दूसरा कोई ऐप जैसे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ये सारे ऐप्स यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, टर्मिनेटेड स्टेट में नहीं है, उस केस में भी एक नोटिफिकेशन आ सकता है। और तीसरा स्टेट रहता है कि जब ऐप हमारा कंप्लीट क्लोज है और दो तीन दिन बाद हमारा ऐप ओपन होता है, उस केस में एक नोटिफिकेशन अगर आता है तो उसको कैसे हैंडल करेंगे, ये आज हम इस एपिसोड में कवर करेंगे। तो मैं आपको एक डेमो दिखा देता हूँ कि कैसे नोटिफिकेशंस आएंगे, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, पहला जो आप ये डेमो देख रहे हैं, इस केस में मैं फायरबेस से एक नोटिफिकेशन भेजूंगा। ठीक है, ये एक फायरबेस कंसोल है, इसमें से मैं मैसेजिंग टैब में आके यहाँ से एक नोटिफिकेशन भेज रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक मैसेज भेजा, तो देख सकते हैं आप इस तरीके से वो नोटिफिकेशन यहाँ पे ओवरले में डिस्प्ले हो रहा है ग्रीन कलर में। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, ऐप को बैकग्राउंड स्टेट में लेके जाऊँगा पर टर्मिनेट नहीं करूँगा, यानी क्लोज नहीं करूँगा पर बैकग्राउंड में कोई और ऐप यूज़ करूँगा। उस केस में अब मैं नोटिफिकेशन सेंड करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से वो नोटिफिकेशन दिख रहा है ऊपर से। ठीक है, स्क्रोल करके हम देख सकते हैं। अब ऐप को मैं कम्प्लीटली क्लोज कर देता हूँ और बैकग्राउंड में कुछ भी नहीं रखता हूँ, और अब अगर मैं नोटिफिकेशन सेंड करता हूँ तो आप देखेंगे कि किस तरीके से नोटिफिकेशन आ रहा है और स्क्रॉल करके हम उसको एंटर कर सकते हैं। तो ये तीन चीज़ें आज हम कवर करेंगे इस एपिसोड में। तो वीडियो को अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो मैं रिकमेंड करूँगा कि फर्स्ट एपिसोड से आप ये ऐप देखें, क्योंकि उन एपिसोड्स का मिक्सचर ही इस एपिसोड में आज आपको काम आएगा। स्टेप बाय स्टेप हम चीज़ें देखेंगे। ठीक है, वीडियोस अगर आपको पसंद आ रहे हैं इस चैनल के तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मैं और ऐसे एपिसोड्स आप तक ला सकूं और बहुत सारी चीज़ें हम यहाँ पे कवर कर पाएँ। ठीक है, आज हमने 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर लिए, सो थैंक यू फॉर दैट। और इसी तरीके से अगर आप सपोर्ट करेंगे तो और बहुत सारे ऐप जैसे ई कॉमर्स ऐप, नेटफ्लिक्स ऐप, ऐसे बहुत सारे कॉम्प्लेक्स ऐप हम इस कोजीफाई यूट्यूब चैनल पर बनाना सीखेंगे थ्रू फ्लटर। ठीक है, अब गाइस सीधा चलते हैं स्क्रीन पर और देखते हैं कि कैसे इसको एग्जीक्यूट किया जाए। ओके गाइस, तो अब देखते हैं कि पुश नोटिफिकेशन आप कैसे ऐड कर सकते हैं अपने मोबाइल ऐप में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, pubspec.yml फाइल में आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने ऑलरेडी फायरबेस ऑथ, फायरबेस कोर, फायरबेस डेटाबेस, ठीक है, और फायरबेस स्टोरेज, ये ऑलरेडी हमने पिछले एपिसोड्स में pubspec.yml में ऐड किए थे। अगर आप ये एपिसोड पहली बार देख रहे हैं तो मैं रिकमेंड करूँगा कि शुरू से ये सीरीज़ को कवर करें, ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए और आप समझ सकें कि किस तरीके से हम लर्निंग ऐप को डेवलप कर रहे हैं। राइट, अब पुश नोटिफिकेशन के लिए हम यूज़ करेंगे ये वाला पैकेज ओवरले सपोर्ट, तो ये वाला वर्जन अभी लेटेस्ट में चल रहा है तो मैंने ये यूज़ किया है। ठीक है, फायरबेस मैसेजिंग और ये वाला वर्जन। ठीक है, अगर आपको चेक करना है कि कौन सा पैकेज रहता है तो आप पब डेव में आ सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, गूगल पे आप सर्च करेंगे ये, तो यहाँ पे आप लिखेंगे ओवरले सपोर्ट तो आपको ये पहला मिल जाएगा यहाँ से, और यहाँ पे जो वर्जन दिया हुआ है वो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आप ये एपिसोड जब भी देखें तो आपको लेटेस्ट वर्जन यहाँ पे यूज़ करना पड़ता है। और फिर यहाँ से हम करेंगे पब गेट। ठीक है, ये पैकेजेस हो गए इंस्टॉल। ओके, तो हम क्या करेंगे, मेन डॉट डार्ट में सबसे पहले हम ऐड करेंगे प्रैग्मा। ठीक है, तो यहाँ से जो भी हमारा एंट्री पॉइंट होगा, जब भी हमारा ऐप शुरू होगा, तो यहाँ पे मैं जो अब मेथड लिखूँगा पुश नोटिफिकेशन के लिए, वो मेथड यहाँ पे कॉल हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम कॉल करेंगे ये मेथड फायरबेस मैसेजिंग। ठीक है, फायरबेस मैसेजिंग बैकग्राउंड हैंडलर, इस मेथड की मदद से हम पुश नोटिफिकेशंस को हैंडल करेंगे और इसको हम बना देंगे असिंक। इसका जो रिटर्न टाइप रहेगा वो रहेगा फ्यूचर। ठीक है, क्योंकि नोटिफिकेशंस तो कभी भी आ सकते हैं, तो हमें पता नहीं है कि कब नोटिफिकेशन आएगा, इसलिए मैं उसको फ्यूचर असाइन कर दूंगा। ओके, तो इतना सेटअप हमने कर लिए। इस फाइल में पुश नोटिफिकेशन डॉट डार्ट में आपको क्या करना है, यहाँ से आपको न्यू फाइल क्रिएट करना है लिब में। ठीक है, न्यू, यहाँ से फाइल। ठीक है, यहाँ पे नाम हम दे देंगे पुश नोटिफिकेशन डॉट डार्ट, और उसमें हम एक क्लास बनाएंगे जिसमें हम पुश नोटिफिकेशन में टाइटल, बॉडी, डेटा टाइटल और डेटा बॉडी,
अब ये क्या है, क्योंकि जब हम नोटिफिकेशन भेजेंगे तो आपको यहाँ से क्या टाइटल भेजना पड़ेगा, राइट? तो ये रिक्वायर्ड रहेगा, पैरामीटर और डेटा टाइटल। तो इस तरीके से हम क्लास पुश नोटिफिकेशन को यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है? अब पुश नोटिफिकेशन डॉट डाट हमारा रेडी हो गया और मेन सेटअप हमारा रेडी है। अब हम यहाँ पे फायरबेस को पहले इनिशियलाइज़ कर देते हैं, इनिशियलाइज़ ऐप, और यहाँ पे मैं एक प्रिंट स्टेटमेंट ऐड कर देता हूँ, हैंडलिंग बैकग्राउंड मैसेजेस। जब ऐप हमारा बैकग्राउंड में रहेगा तब ये वाली मेथड आपको काम आएगी, ठीक है? अगर आपको मैसेज की आईडी वगैरह निकालना है या कुछ उसका पर्पस होगा तो आप इस तरीके से उसको निकाल सकते हैं, मैसेज आईडी, ठीक है? अब हम है ना पुश नोटिफिकेशन में बाय डिफ़ॉल्ट क्या सेट होगा तो उसको थोड़ा इनिशियलाइज़ कर देते हैं, ठीक है? गेट इनिशियल मैसेज, मैसेज इनिशियल मैसेज में उसको मैं ये कर देता हूँ इनिशियलाइज, ठीक है? और इसको हम कर देंगे अवेट। अब यहाँ से अगर इनिशियल मैसेज नल नहीं आता है तो हम पुश नोटिफिकेशन को उसको असाइन कर देंगे। तो यहाँ पे मैं नोटिफिकेशन क्रिएट कर दूँगा, पुश नोटिफिकेशन। अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि टाइटल, डेटा टाइटल हमारे रिक्वायर्ड थे, ठीक है? यहाँ पे हमने देखिए रिक्वायर्ड यहाँ पे ऐड किए थे, ठीक है? तो वही बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे आ गया। अब टाइटल में हम क्या सेट करेंगे, इनिशियल मैसेज डॉट नोटिफिकेशन, टाइटल जो भी आएगा उसको हम सेट कर देंगे यहाँ से। इसको और इजी कर देता हूँ मैं आपके लिए ताकि आप इजीली समझ सके। अगर टाइटल नहीं है तो बाय डिफ़ॉल्ट वो उसको एम्प्टी सेट कर देगा। सिमिलरली हम बॉडी भी यहाँ पे ऐड कर देते हैं जो रिक्वायर्ड नहीं है, पर फिर भी मैं ऐड कर देता हूँ ताकि कुछ पैरामीटर्स अगर आप फ्यूचर में ऐड करते हैं कि पर्टिकुलर नोटिफिकेशन पे क्लिक करने पे कुछ एक्शन आपको अगर लेना है तो उसके लिए बॉडी आपको पास करना होगा, वो सब भी हम देखेंगे। पर अभी फ़िलहाल बेसिक एक पुश नोटिफिकेशन का मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से आप ऐड करते हैं। तो बॉडी हम यहाँ पे करेंगे। अब डेटा टाइटल के लिए हम ऐड करेंगे इनिशियल मैसेज डॉट डेटा टाइटल। अगर ये भी अगर एम्प्टी आता है तो उसको इस तरीके से हम हैंडल करेंगे। और डेटा बॉडी इनिशियल मैसेज डॉट डेटा, और इसको हम बॉडी दे देंगे, ठीक है? ये होगा हमारा फर्स्ट जो मेथड है रेडी, ठीक है? फायरबेस मैसेजिंग बैकग्राउंड हैंडलर। अब मेन फंक्शन के अंदर हम फायरबेस मैसेजिंग, ठीक है, यहाँ से वो मैसेज को कॉल करना है, मतलब ये जो हमने मेथड क्रिएट की इसको बस कॉल कर देना है। तो हम इसको कैसे करेंगे, ऑन बैकग्राउंड मैसेज इसको आप पूरा रिमूव कर देंगे, और यहाँ पे जब भी बैकग्राउंड में नोटिफिकेशन आएगा तो हम ये वाली मेथड को कॉल कर देंगे, ठीक है? बस इतना ही आपको करना है। ये क्यों कर रहे हैं हम लोग, फॉर हैंडलिंग, इसको मैं लिख देता हूँ, फॉर हैंडलिंग द नोटिफिकेशंस इन टर्मिनेटेड स्टेट, या फिर जब भी बैकग्राउंड या टर्मिनेटेड रहेगा, ठीक है, उस केस में ये वाली मेथड आपको हेल्प करेगी। और यहाँ पे विजेट्स विजेट फ्लटर बाइंडिंग इंश्योर इनिशियलाइज, ठीक है, इसको आपको सेट कर देना है यहाँ पे। और ये जो इनिशियलाइज यहाँ पे तो कर लिए थे, हम यहाँ पे भी इसको कर देते हैं और बाद में हम जो ऐप है उसको रन करेंगे, ठीक है? पहले इनिशियलाइजेशन पार्ट यहाँ पे कर देंगे और यहाँ पे फायरबेस का बैकग्राउंड मैसेज सेट कर दिया और फिर हम ऐप को रन करेंगे। अब इसके बाद में आपको आना है मेन स्क्रीन स्टेट में, ठीक है, जहाँ पे मेन स्क्रीन हमने बनाए थे, मेन स्क्रीन स्टेट में आपको आना है। और यहाँ पर हम एक वेरिएबल बना देंगे फायरबेस मैसेजिंग, फायरबेस मैसेजिंग, ठीक है, और उसका एक इंस्टेंस मैं यहाँ पर ले लेता हूँ ताकि आगे जब हम ओवरले सपोर्ट बनाएंगे तो उसके लिए ये काम आ सके, ठीक है? ठीक है, एक ये करेंगे। और यहाँ पे एक यूज़र हम लेंगे, यूज़र फायरबेस के लिए, ठीक है? अब इनिट स्टेट में आपको आना है। इनिट स्टेट में हम क्या करेंगे, टोकन ले लेंगे फायरबेस से कि कौन से डिवाइस पे उसको हमको रजिस्टर कराना पड़ेगा, राइट? कि कौन से फ़ोन में नोटिफिकेशन भेजना है, तो ये प्रॉपरली हम उसको यहाँ पर सेट करेंगे। इंस्टेंस
फायरबेस ऑथ डॉट इंस्टेंस यूज़ करेंगे हम सिंपल, और यहाँ पे यूज़र का रेफरेंस ले लेंगे यूज़र वेरिएबल में, ठीक है। अब यहाँ से हम फायरबेस मैसेजिंग के थ्रू टोकन ले लेंगे, गेट टोकन। ये फर्स्ट टाइम अगर आप देख रहे हैं तो थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, पर जब आप इसको प्रैक्टिस कर लेंगे तो बहुत ईजी है। बेसिकली तीन ही मेथड है, एक स्टार्ट में बस हमने ये ऐड किया, ठीक है, यहाँ पे कुछ उस मेथड को कॉल कर दिया, और यहाँ पे हम एक टोकन ले रहे हैं, बस इतना ही है और कुछ नहीं। यहाँ पे मैं टोकन ले लूँगा, इसको मेथड में ऐड कर देंगे, ठीक है। अब जो भी टोकन आ रहा होगा उसको हम यहाँ पे ले लेंगे फायरबेस टोकन, ताकि वो प्रिंट कर दे यहाँ पे, ठीक है। अब ये टोकन कैसे यूज़ करते हैं ये भी मैं आपको डेमो में दिखाने वाला हूँ, कि जब हम पुश नोटिफिकेशन फायरबेस कंसोल से भेजेंगे, ठीक है, तो वहाँ पे आप किस तरीके से टोकन का यूज़ कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊँगा। पहले हम थोड़ा सा सेटअप कर लेते हैं ताकि जब मैसेज वगैरह आए वहाँ से तो उसको हैंडल कर सके, ठीक है। तो हम लिसन करेंगे, जो भी मैसेज आएगा उसको हमको लिसन करना है, और ये जो भी रिमोट मैसेज आ रहा है इसको हम बस यहाँ पे प्रिंट कर देंगे। यहाँ पे ब्रैकेट्स आपको प्रॉपर देने हैं, ठीक है, इसको हम प्रिंट कर देंगे मैसेज को, जो भी वहाँ से मैसेज आ रहा है, ठीक है। रिसीव्ड मैसेज, और इसको यूज़ करेंगे हम इस तरीके से, आप उसमें से मैसेज को निकाल सकते हैं नोटिफिकेशन में से। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे कमेंट दे दूँगा, हैंडल इनकमिंग मैसेजेस। तो पिछले एपिसोड्स में हमने यहाँ पे मटेरियल ऐप के थ्रू ये सब डिज़ाइन किया था। अब हम क्या करेंगे, इस पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे एक येलो कलर का ऑप्शन आएगा, उसमें से हम इसको ऐड करेंगे ओवरले सपोर्ट के अंदर, ठीक है, ओवरले सपोर्ट, ताकि जब ऐप ओपन रहे तो आपको नोटिफिकेशंस आ सके इस तरीके से, ठीक है। बस इतना हमने इसको हैंडल करना है। तो एक बार मैं रिवीजन दे देता हूँ कि सबसे पहले हमने क्या किए, कि जो pubspec.yml में थे पब डेव के पैकेजेस यहाँ पे लिखे और पब गेट किया, राइट। उसके बाद में हम आएंगे main.dart में, यहाँ पे हम उन पैकेजेस को इंपोर्ट करेंगे, और एक पुश नोटिफिकेशन डॉट डार्ट नाम की हमने एक क्लास बनाई, ठीक है, इसके अंदर ये सारे पैरामीटर्स ऐड किए। यहाँ पे हमने एक बैकग्राउंड मैसेज को हैंडल करने के लिए एक मेथड बनाई, ठीक है, वहाँ से जो भी मैसेज आ रहा होगा अगर वो नहीं अवेलेबल है तो उसको हमने यहाँ पे डिफ़ॉल्ट असाइन किया, अदरवाइज़ जो भी मैसेज होगा वो पुश नोटिफिकेशन में असाइन हो जाएगा, ठीक है। और जब भी मेन फंक्शन कॉल होगा, ठीक है, तो यहाँ पे हमने उसको ये जो बैकग्राउंड मैसेज वाली मेथड थी वो कॉल हो जाएगी। उसके बाद में हमने यहाँ पे टोकन लिया यूज़र का, ठीक है, और यहाँ से मैसेज जो भी आ रहा होगा वो इनिशियलाइजेशन इनिट स्टेट में हमने उसको ले लिया, ठीक है, और यहाँ पे बिल्ड मेथड में जो ओवरले सपोर्ट में उसको रैप कर दिया। इतना हमने कर लिए। अब इसके बाद में जो फर्स्ट पेज हमारा ओपन होगा वो होगा लॉगिन पेज, ठीक है। ठीक है, मैं आपको एक बार ऐप रन करके बता देता हूँ। तो ये हमारा ऐप है, ठीक है, जो हमने डिज़ाइन किए थे, ओके। तो अब हम क्या करेंगे, जो भी आपके ऐप का फर्स्ट पेज रहेगा, जैसे मेन से हमने यहाँ पे लॉगिन पेज पे राउट किया था, राइट, तो फर्स्ट हमारा यहाँ है, तो यहाँ पे भी आपको सेम चीज़ करनी है जो हमने मेन डॉट डार्ट में किए ना। तो सबसे पहले आप ये जो पैकेजेस हमने यहाँ पे ऐड किए, ठीक है, यही पैकेज हम इसमें भी ऐड करेंगे, ठीक है, मैंने ऐड किए। अब आपको जो मेथड हमने यहाँ पे कॉल की थी बैकग्राउंड वाली, ये बहुत ज़रूरी स्टेप है, ठीक है, इसके बिना ये काम नहीं करेगा नोटिफिकेशन, तो मेक श्योर कि आप ये ऐड ज़रूर करें यहाँ पे। अब आपको यहाँ पे कुछ सेटअप करना है, तो हम करेंगे लेट फायरबेस मैसेजिंग, ठीक है, यहाँ पे रेफरेंस बना देंगे टोटल नोटिफिकेशंस हम यहाँ पे असाइन करेंगे इज इक्वल्स टू ज़ीरो, तो अगर ये वाला वेरिएबल हम क्यों यूज़ करेंगे मैं आपको बताता हूँ। आपको अगर आपने अगर नोटिस किया होगा अपने मोबाइल ऐप्स में, तो यहाँ पे है ना रेड कलर का एक काउंट आता है, राइट, कि टू नोटिफिकेशन टू मैसेजेस, तो उसको हम बोलते हैं बैच, ठीक है, मोबाइल ऐप में। तो ये चीज़ हम करेंगे इस वेरिएबल के थ्रू काउंट, ठीक है। तो इसको कैसे करते हैं मैं आपको समझाता हूँ। लेट पुश नोटिफिकेशन, और यहाँ पर जो भी नोटिफिकेशन का इन्फो होगा
उसका रेफरेंस हम यहाँ पे स्टोर कर देते हैं। तो ये तीन चीज़ें हमें काम आएगी। अब हम यहाँ पे एक मेथड बनाएंगे रजिस्टर नोटिफिकेशन, ताकि जब यूज़र हमारे ऐप में फर्स्ट टाइम आए उस टाइम उसको थोड़ा सा हम पूछे कि भाई आपको नोटिफिकेशन अलाउ करना भी है या नहीं करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे करेंगे फायरबेस को इनिशियलाइज, फायरबेस डॉट इनिशियलाइज ऐप, और यहाँ पे हम जो हमने यहाँ पे रेफरेंस बनाया मैसेजिंग उसको यहाँ पे इनिशियलाइज कर देंगे, फायरबेस मैसेजिंग डॉट इंस्टेंस। ठीक है, फायरबेस मैसेजिंग डॉट ऑन बैकग्राउंड मैसेज। ठीक है, यहाँ से हम कॉल करेंगे जो हमारी मेथड है फायरबेस मैसेजिंग बैकग्राउंड हैंडलर। ठीक है, इसके थ्रू हमारा हो जाएगा सेटअप। अब यहाँ पे कुछ सेटिंग्स हम कर देते हैं नोटिफिकेशन की। तो यहाँ पे मैं बोलूँगा नोटिफिकेशन सेटिंग्स सेटिंग्स। ठीक है, इसको हम असाइन करेंगे मैसेजिंग डॉट रिक्वेस्ट परमिशन। ठीक है, अभी ये हम यूज़र से पूछेंगे परमिशन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे अलर्ट हम सेट कर देंगे ट्रू, बैज हम सेट करेंगे ट्रू। जो हमें ऐप के वहाँ पे नोटिफिकेशन अगर आता है और उसका ऐप अगर बंद रहता है तो उस केस में हम कैसे उसको दिखाएंगे कि नोटिफिकेशन यहाँ पे आया है, वो चीज़ हम इसके थ्रू ऐड करेंगे। ठीक है, और नोटिफिकेशन में साउंड जाना चाहिए ट्रू। ठीक है, ये हो गया हमारा नोटिफिकेशन सेटिंग्स। अब यहाँ पे चेक लगाना पड़ेगा यूज़र ने अलाउ किया है कि नहीं। तो सेटिंग्स डॉट ऑथराइजेशन स्टेटस के थ्रू आप उसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑथराइजेशन स्टेटस अगर ऑथराइज्ड है यानी यूज़र ने हमें अलाउ किया है तो हम यहाँ पे फायरबेस मैसेजिंग डॉट ऑन मैसेज मेथड बनाएंगे और उसको लिसन करेंगे जैसे हमने मेन फाइल में किया था कि मैसेज क्या आया है। ठीक है, अभी ये मैसेज कहाँ से आएगा, रिमोट मैसेज। ठीक है, तो उसको यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा और ब्रैकेट्स आप प्रॉपरली देंगे इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पे हम प्रिंट कर देंगे जो भी मैसेज आ रहा होगा वहाँ से। तो मैं बोलूँगा मैसेज टाइटल, अगर आपको वो चाहिए प्रिंट करके तो आप यहाँ पे उसको इस तरीके से ले सकते हैं। मैसेज के अंदर नोटिफिकेशन। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसको पार्स करेंगे मैसेज रिसीव्ड। ठीक है, उसको कैसे करेंगे, जो भी मैसेज आ रहा है उसको पुश नोटिफिकेशन में हम कैसे दिखाएंगे वो चीज़ यहाँ पे हम सेट करेंगे पुश नोटिफिकेशन। ठीक है, जैसे हमने पहले किया था टाइटल के अंदर हमने उसको किए थे मैसेज डॉट नोटिफिकेशन डॉट टाइटल। ठीक है, जो ये हमने यहाँ पे किए थे ना वही आप ले सकते हैं ऐसे डायरेक्ट। ये वाला पार्ट जो हमने किया था फायरबेस बैकग्राउंड मैसेज हैंडलर मेन डॉट डाट में यहाँ पे हमने इनिशियलाइज किया थे ना वही पार्ट आप यहाँ पे ले सकते हैं। बस यहाँ पे आपको सेट करना होगा मैसेज, ये हमारा पैरामीटर मैसेज नाम से। तो यहाँ पे हम मैसेज ले लेंगे, इसको यहाँ पे हम करेंगे सेट स्टेट। ठीक है, इसके अंदर ही हमें ये सेट स्टेट करना होगा। ठीक है, अब हम करेंगे सेट स्टेट और यहाँ पे जो भी नोटिफिकेशन होगा उसको हम यहाँ पे सेट कर देंगे नोटिफिकेशन, और जो भी टोटल नोटिफिकेशन है उसका काउंट हम बढ़ा देंगे प्लस प्लस। अगर नोटिफिकेशन नल नहीं है तो ओवरले में, अगर नल नहीं है तो यहाँ पे ओवरले में हम उसको दिखाएंगे। ठीक है, फॉर मैं यहाँ पे कमेंट लिख देता हूँ फॉर डिस्प्लेइंग द नोटिफिकेशन इन ओवरले। अब उसको आप कैसे करेंगे, तो उसके लिए आप यूज़ करेंगे शो सिंपल नोटिफिकेशन। यहाँ पे है क्या, शो सिंपल नोटिफिकेशन। ठीक है, इसके थ्रू आप उसको दिखा सकते हैं यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट ले लूँगा, टेक्स्ट यस नोटिफिकेशन इन्फो डॉट टाइटल। इसके लिए हमारे पास अवेलेबल है सब टाइटल, तो हम यूज़ करेंगे इसका टेक्स्ट नोटिफिकेशन इन्फो डॉट बॉडी। अगर ये अवेलेबल नहीं है तो नल इसको रख देंगे।
उसके बाद में हमारा बैकग्राउंड हम सेट कर देंगे कि कौन से बैकग्राउंड में आपको नोटिफिकेशन देना है, ठीक है। और कितने ड्यूरेशन के लिए वो आएगा, ड्यूरेशन हम कर देंगे सेकेंड्स में, 2 सेकेंड के लिए वो नोटिफिकेशन आएगा, ठीक है। ठीक है, तो ये जो ऑथराइज्ड है, अगर यूज़र ने ऑथराइज़ किया है तो ये सारी कंडीशंस होगी, और उसके बाद में एल्स हम ये करेंगे, ठीक है, कि यूज़र हैज़ डिक्लाइन द परमिशन। ठीक है, इतना क्लियर है। अब हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है, जब यूज़र टर्मिनेटेड स्टेट में होगा तो हम क्या करेंगे, एक मेथड बनाएंगे चेक इनिशियल मैसेज, ठीक है, और यहाँ पे इनिशियलाइज करेंगे फायरबेस को जब वो टर्मिनेटेड स्टेट में रहेगा। तो ये स्टेप्स आपको फॉलो करना है तो ही ये सब चीज़ें काम करेगी, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ये पैरामीटर्स चेंज कर देने हैं, ठीक है। इतना पार्ट आपको ये यहाँ पे ऐड करना है, ये ऑलरेडी हमने ऊपर लिखे थे, ठीक है, पुश नोटिफिकेशन का आपको अगर याद होगा तो इस मेथड में हमने लिखे थे, वही आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा हैंडलिंग टर्मिनेटेड स्टेट के लिए, जब ऐप टर्मिनेशन स्टेट में रहेगा, ठीक है। आई थिंक ये ब्रैकेट यहाँ एक्स्ट्रा ऐड हो गया है, टोटल नोटिफिकेशंस को हम यहाँ पे कर देंगे 0, ठीक है। उसके बाद में हम मेथड कॉल करेंगे रजिस्टर नोटिफिकेशन जो हमने ऊपर बनाया, और उसके बाद में हम करेंगे चेक फॉर इनिशियल मैसेज। ये 3 मेथड्स हमने यहाँ पे बनाई, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, ये वाली मेथड हमने यहाँ पे लिख ली है, ठीक है, बैकग्राउंड हैंडलर। फिर हमने लॉगिन पेज स्टेट में 2 मेथड बनाई, एक रजिस्टर नोटिफिकेशन, ठीक है, और उसके बाद में चेक फॉर इनिशियल मैसेज जब यूज़र टर्मिनेटेड स्टेट में रहेगा ऐप, ठीक है। यहाँ पे एक फ़ाइनल चीज़ जो करनी है, ऐप जब बैकग्राउंड में रहेगा पर टर्मिनेटेड नहीं रहेगा, मतलब ऐसे, यानी अभी वो ऐप यहाँ पे अवेलेबल है पर वो स्क्रीन पे अवेलेबल नहीं है, हम कोई और ऐप यूज़ कर रहे हैं, अगर उस स्टेट में अगर कोई नोटिफिकेशन आता है तो उसको कैसे हैंडल करते हैं, वो यहाँ पे एक फ़ाइनल चीज़ देख लेते हैं। फिर इसके बाद मैं आपको डेमो दिखा देता हूँ कि कैसे वो रन हो रहा है, ठीक है। फॉर हैंडलिंग नोटिफिकेशन व्हेन ऐप इज़ इन बैकग्राउंड बट नॉट टर्मिनेटेड, ये 3 स्टेट हमें यहाँ पे हैंडल करने हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फायरबेस मैसेजिंग ऑन मैसेज ओपन ऐप, यहाँ पे हम लिसन करेंगे, ठीक है, रिमोट मैसेज ब्रैकेट्स यहाँ पे ऐड कर देंगे, ठीक है। पे हम लिखेंगे पुश नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन ये हमारे आगे टाइटल और डेटा टाइटल, ठीक है। अब यहाँ पे हम सेम करेंगे मैसेज डॉट नोटिफिकेशन डॉट टाइटल, वैसे ही हम बॉडी को भी सेट कर देंगे मैसेज डॉट नोटिफिकेशन डॉट बॉडी, डेटा टाइटल सेट कर देंगे मैसेज डॉट डेटा, इसको टाइटल कर देंगे, और डेटा बॉडी फाइनल स्टेप मैसेज डॉट डेटा यहाँ पे बॉडी कर देंगे। कर ये इसको एम्प्टी कर देंगे, सेम चीज़ यहाँ पे सेट स्टेट नोटिफिकेशन इन्फो नोटिफिकेशन और टोटल नोटिफिकेशन प्लस प्लस। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा सेट स्टेट कब यूज़ करते हैं, जब नोटिफिकेशन वहाँ से आएगा तो हमें फिर से UI को रिफ़्रेश करना पड़ेगा, राइट। तो UI को हम ऑटोमेटिक तो रिफ़्रेश नहीं कर पाएंगे, तो उसके लिए ये सेट स्टेट का मेथड यूज़ करते हैं, जिससे क्या वो नोटिफिकेशन वहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। तो अब आती है बारी ऐप को रन करने की, ठीक है, ऐप को रन करते हैं, यहाँ से मैं रिमूव कर देता हूँ उसको,
और यहाँ पर जो हमने ऐप में गूगल सर्विसेज डॉट जे एस एन फाइल ऐड किया था, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अगर आपने ये नहीं किया है तो मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ कि प्रोजेक्ट ओवरव्यू में, प्रोजेक्ट सेटिंग्स में, फायरबेस में जो भी आपका ऐप है उसका गूगल सर्विस डॉट जे एस एन आप यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं, और इसको ऐप गूगल सर्विसेज डॉट जे एस एन में हम ऐड करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं ऐप को रन करके। तो आप यहाँ पे मैं आपको लॉग्स दिखा देता हूँ। देखिए, अलाउ कोडसीफाई टू सेंड यू नोटिफिकेशन, अलाउ एंड डोंट अलाउ। तो फर्स्ट जो हमारा पेज था ना, लॉगिन पेज, जो ये वाला पेज है, ठीक है। तो इस लॉगिन पेज में हमने, अगर आपको याद होगा, तो हमने यहाँ पे ऑथराइजेशन मांगा था यूज़र से कि आप ऑथराइज स्टेट में है कि नहीं, ठीक है। अगर यहाँ से मैं अलाउ करूँगा तो ये इफ़ कंडीशन एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। ये वाली इफ़ कंडीशन एग्जीक्यूट होंगी, इसको इस तरीके से रखते हैं, ठीक है। अगर मैं अलाउ करूँगा यहाँ से तो ये इफ़ कंडीशन होगी कि यूज़र ने ऑथराइज़ किया है। अगर डोंट अलाउ तो यूज़र हैज़ डिक्लाइन द परमिशन। अब हम करेंगे इसको अलाउ, ठीक है। अब नीचे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हुई होगी, फ्लटर बैकग्राउंड सर्विस स्टार्टेड, ठीक है। यहाँ पे एक फायरबेस टोकन भी जनरेट हो गया जो आपके डिवाइस का टोकन है, ठीक है। यहाँ पे ये फायरबेस टोकन आपका आ गया। अब इसकी मदद से मैं नोटिफिकेशन एक सेंड करके बताता हूँ आपको। तो मैं आ जाऊँगा यहाँ पे मैसेजिंग के अंदर, ठीक है। या फिर अगर आपको ये ऑप्शन नहीं दिखता है तो आप एंगेज में आके यहाँ से मैसेजिंग फाइंड करेंगे, ठीक है। फिर यहाँ से हम क्या करेंगे, एक न्यू कैंपेन करता हूँ मैं नोटिफिकेशंस, ठीक है। यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ कोडजीफाई यूट्यूब और नोटिफिकेशन देता हूँ टेस्ट नोटिफिकेशन 1। आपका जो भी इमेज अगर आपको सेंड करना है तो आप इमेज भी यहाँ से सेंड कर सकते हैं। तो नोटिफिकेशन कुछ इस टाइप का दिखेगा। अब टेस्ट करने के लिए हम यहाँ पे टोकन्स ऐड करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे, जो मेरे को यहाँ पे डिवाइस टोकन मिला ना, इस टोकन की मदद से मैं एक मैसेज सेंड करूँगा। तो ये ऑलरेडी मेरे एडेड है, तो इसको रिमूव कर देता हूँ मैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको अपना टोकन ऐड करना है, प्लस करेंगे और टेस्ट करेंगे कि नोटिफिकेशन आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे टेस्ट नोटिफिकेशन 1 आ रहा है, ठीक है। एक बार फिर से सेंड करेंगे इसी डिवाइस में, एक ही बार वो ऐड करना है। तो आप देखेंगे यहाँ पे तो टेस्ट नोटिफिकेशन 1 आ रहा है, राइट। अब अगर आपने नोटिस किया होगा तो उसका जो कलर है वो ग्रीन कलर आ रहा है। तो वो कैसे हो रहा है, तो हमने यहाँ पे लॉगिन पेज में कुछ सेटिंग्स किया था, राइट। देखिए, अगर नोटिफिकेशन आ रहा है तो ओवरले वाली मेथड से हम उसको नोटिफिकेशन दिखाएंगे, और जो भी यानी बैकग्राउंड कलर आपको चेंज करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं, कितने ड्यूरेशन के लिए आपको दिखाना है और टाइटल जो वहाँ से आएगा। अब ये हुई बात कि ऐप जब फोरग्राउंड में, यानी जब ऐप ओपन है तो नोटिफिकेशन कैसे दिखेगा। अब आती है बात कि जब ऐप को हम बैकग्राउंड में डाल देंगे पर वो टर्मिनेटेड स्टेट में नहीं है, वो अवेलेबल है पर स्क्रीन पे नहीं है, ठीक है। तो उस केस में नोटिफिकेशन अगर मैं भेजता हूँ तो कैसे दिखेगा वो देखते हैं। तो ऊपर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक नोटिफिकेशन आया कोडसीफाई यूट्यूब, और इसको जब क्लिक करेंगे तो हमारा ऐप हो जाएगा ओपन, ठीक है। ये हो गया जब ऐप फोरग्राउंड, ऐप जब बंद है लेकिन टर्मिनेटेड नहीं है, ठीक है। अब हम इसको टर्मिनेट कर देते हैं, यानी हमारे बैकग्राउंड में अब कुछ भी नहीं है। तो उस केस में अब ऐप अगर 2-3 दिन बाद में अगर ऐप ओपन हो रहा है तो उस केस में हम क्या करेंगे, एक नोटिफिकेशन फिर से भेजेंगे, ठीक है, टर्मिनेटेड स्टेट में। अब अगर आप नोटिस करेंगे तो यहाँ नोटिफिकेशन नहीं आया, ठीक है। एक बार फिर से मैं आपको दिखा दूँ, मैंने 2 बार भेजा पर नोटिफिकेशन यहाँ पे नहीं आया। तो यहाँ पे क्या है, एक कंडीशन है कि आपको जो नोटिफिकेशन टर्मिनेटेड स्टेट में आते हैं उस केस में आपको ऐप को 1 से 2 बार ओपन करके रखना पड़ता है, ठीक है। पूरा ऐप बंद करके एक बार फिर से उसको ओपन करेंगे, ठीक है। यानी 1 से 2 बार वो ऐप ओपन होगा तो ही वो आएगा। जैसे व्हाट्सएप में हम 2-3 बार, व्हाट्सएप तो दिन में 2-3 बार ओपन हो ही जाता है, राइट, इसीलिए उसके नोटिफिकेशंस फास्ट आते हैं। अब अगर हम इसको सेंड करेंगे तो यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है, इस तरीके से जब ऐप पूरा बंद है। तो इस तरीके से आप टर्मिनेटेड स्टेट में भी अपने नोटिफिकेशंस को हैंडल कर सकते हैं। अब ये जो बेसिक सेटअप मैंने यहाँ पे बताया,
आप इसको फॉलो करेंगे ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। और कोई भी अगर आपका डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछें, मैं आंसर करने का ट्राई करूँगा ठीक है। आई होप कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे कि पुश नोटिफिकेशन को 3 स्टेट्स में कैसे एग्जीक्यूट किया जाता है फ्लटर में ठीक है। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, मैं ट्राई करूंगा उसका आंसर करने का। वीडियो अगर आपको हेल्प किया होगा तो लाइक शेयर और कमेंट में ज़रूर बताएं ठीक है, ताकि मैं और ऐसे एपिसोड्स में ला सकूँ। ओके गाइस, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।